डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी के जनपद रायबरेली। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट द्वारा संगठन प्रदर्शन कार्यक्रम पर चर्चा की गई। तपश्चात सर्वसम्मत से निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश यादव को पुनः अध्यक्ष एवं कर्मठ साथी संदीप मिश्रा को बाबूगंज व्यापार मंडल का महामंत्री चुना गया। व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी और व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि साप्ताहिक बंदी ग्रामीण अंचलों के व्यापारिक क्षेत्रों का प्रमुख मुद्दा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन में वार्षिक सदस्यता के अतिरिक्त किसी भी शुल्क का कोई प्रावधान नहीं। वह कहा कि दलाली के धंधे व चंदे की राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं। मिश्रा गुट व्यापारी हितों के संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहेगा और उत्पीड़न के लिए जमकर उत्पीड़न का विरोध करेगा। डॉग टाइम्स न्यूज के लिए रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। रायबरेली में भी विभिन्न इकाइयों के पुनर्गठन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस क्रम में आज हम लोग बाबूगंज बाजार में संगठन के गठन के लिए आए और सर्वसम्मत से व्यापारियों की बैठक में सुरेश यादव अध्यक्ष व संदीप मिश्रा को महामंत्री चुना गया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया। अध्यक्ष व महामंत्री ने आम सहमति से उपाध्यक्ष, वरिष्ठ सलाहकार, संरक्षक, सचिव, महासचिव, संगठन सचिव आदि पदों पर व्यापारियों को स्थान प्रदान किया। कहना चाहता हूं कि इस बैठक में जहां व्यापारी बंदी और चंदा ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई तो स्पष्ट किया गया है संगठन जिला संगठन द्वारा मेरे द्वारा कि दलाली के धंधे व चंदे की राजनीति से हमारे मिश्रा गुट व्यापार मंडल का कोई सरोकार नहीं है। जय हिंद, जय व्यापार। डॉग टाइम्स न्यूज, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।